चलो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर में यूनिट 1 चैप्टर 1। अगर आप लोग मेरी चैनल में फर्स्ट टाइम हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंग्लिश लिटरेचर में यूनिट 1 चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, किसने किया पैट्रिक का होमवर्क। चैप्टर का नेम है दिस इज नॉट अ वन टाइप दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन but this is not a question, this is the name of the chapter। honeysuckle निकालनी है, opaque with the sun नहीं निकालना है, honeysuckle निकालो, निकाली सबने, okay चलो। now first, who did Patrick's homework? हमें chapter के end में पता चलेगा कि किसने Patrick का homework किया था। now see, Patrick never did homework, too boring। he said he played हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेंट। कि पैट्रिक को जरा भी होमवर्क करना पसंद नहीं था, उसे कैसा लगता था, एकदम सा बोरिंग लगता था, और वो बोलता था कि मुझे हॉकी बास्केटबॉल एंड निंटेंडो खेलना है। मुझे उसे पैट्रिक को क्या खेलना पसंद था, हॉकी बास्केटबॉल एंड निंटेंडो, ये थ्री गेम्स। ये एक क्वेश्चन बन जाएगा कि पैट्रिक को कौन सी गेम खेलना पसंद था, तो हम ये थ्री गेम्स लिख सकते हैं, वी हैव टू राइट दिस थ्री गेम। ओके देखो, उसे बहुत ही बोरिंग लगता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वांट लर्न अ थिंग एंड इट्स ट्रू समटाइम्स इट फील लाइक एन इग्नोरेंस। कि पैट्रिक की टीचर उसे बोलती थी कि पैट्रिक तुझे कुछ होमवर्क नहीं करना है, तुझे कुछ पढ़ना नहीं है, और वो सच भी है। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम अगर फ्यूचर में क्या करेंगे, समझ में आया, अगर कुछ नहीं पढ़ेंगे तो आगे जाकर क्या करेंगे, इसलिए उसके टीचर ने बोला, और वो भी सच था। पैट्रिक को क्या फील होता है कि मैं मेरे टीचर को इग्नोर करूं, इग्नोरमस मतलब कि कोई भी पर्सन को इग्नोर करना, that is one type of word of same of ignore, ignore का same word ही है, थोड़ा different। ignoramus, समझ में आया ignoramus मतलब क्या यहाँ तक? okay, but what could he do, he hated homework, पर वो क्या कर सकता है, उसे homework जरा भी पसंद नहीं था। now second point, मतलब second point यहाँ पर दिया है ना आपकी notebook में। okay, then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away। कि एक दिन उसने वो अपनी कैट के पास गया और वहां पर उसने देखा कि उसकी जो कैट है वो एकदम छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है और उसे एकदम जोर से पकड़ लिया है। To his surprise, it wasn't a doll। उसने वहां पर जाके देखा तो वो कोई डॉल नहीं थी, वो एकदम सरप्राइज हो गया कि ये क्या है, दिस इज नॉट अ डॉल, तो ये क्या है एट डॉल एट ऑल, बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। वो कोई डॉल नहीं थी, वो क्या था, एक छोटी सी साइज का, टाइनीएस्ट साइज का मैन था। क्या था? टाइनीएस्ट साइज अ मैन। ही हैड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी बोल रही हूँ अंडरलाइन करना। He had a little wool shirt with old fashioned breeches and a high tall hat much like witches। Witch तो क्या अपने underline कर दिया। देखो कि उसमें जो little man था उसने एक wool का shirt पहना था और उसमें lining breeches थी, मतलब lining वाली fashion, पूरा वो पहले की fashion है, एकदम पूरा नहीं है वो, ऐसे भी अभी भी पहनते हैं पर थोड़ा different होता है उसमें। देखो एकदम बीच के जैसे रखते और एकदम बड़ी सी यहाँ तक की कैप पहनी थी, एक तो वो छोटा था और ऊपर से इतनी बड़ी कैप पहने, वो तो कैसा लगेगा, देखो इमेज करो। सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट योर विश, आई प्रॉमिस यू दैट। कि उसने क्या बोला कि मुझे बचाओ। पैट्रिक वो कैट के पास गया तो क्या बोला, वो एल्फ था, वो छोटा सा मैन बोला कि प्लीज मुझे बचाओ, आपको जो भी चाहिए मैं आपकी विश में आपको खत्म कर दूंगा, मैं ये प्रॉमिस करिया। वो सेड दिस सेंटेंस, ये किसने बोला, वो सेड टू में आ सकता है, किसने बोला ये सेंटेंस, वो जो छोटा सा मैन था उसने पैट्रिक को बोला, एल्फ सेड टू पैट्रिक, अंडरस्टूड। नाउ थर्ड पैराग्राफ, Patrick could not believe how lucky he was, here was the answer to all of these problems।
कि पैट्रिक से बिलीव नहीं हो रहा था, जैसे कि किसी को अपनी मम्मी के अपनी मम्मी ने बोला है कि बर्तन घिसते हैं, बर्तन साफ करने है, मतलब कि पूरे घर में पोछा लगाना है, कितना काम बोला है। और किसी का कोई आपकी बहन आकर आप लोग को बोल दे कि नहीं भाई ऐसा क्यों कर रहा है, मैं कर दू तो कितना अच्छा लगता है आप लोग को। ऐसे ही यहाँ पर पैट्रिक को एक मैन मिल गया, वो बोला कि मैं कितना लकी हूँ वो कि यहाँ पर उसके सभी प्रॉब्लम्स का आंसर था। प्लीज कीप क्वाइट। सो ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माय होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35 डेज। अगर तू मेरा होमवर्क कर देगा मेरे सेमेस्टर के एंड तक। अभी कितने दिन बचे थे? 35 डेज बचे थे। कितने? 35 डेज बचे थे। उसने बोला कि अगर तू कर देगा तो तुझे ऐसा भी मिलेगा, कोई तुझे बोलेगा कि ये इना अच्छी सी जॉब भी थी तेरी, और आई कुड इवन गेट एज, कि मुझे भी एज मिल जाएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज? ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, एट इज अवेलेबल है ना, वो आप लोग को किसी को ही आता है, किसी को बी सी डी ऐसे आता है। तो क्या बोला इसने कि आप तू मेरी हेल्प कर दे, तुझे अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, जॉब की तरह हो जाएगा, और मुझे ए ग्रेड भी मिल जाएगा, एस भी मिल जाएगा। एस बोल दे उसे, सी और कीप क्वाइट। इन अ फोर्थ पैराग्राफ देयर आर टू पैराग्राफ, इन अ फोर्थ नंबर टू पैराग्राफ देयर सी द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, he kicked his leg then doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. पूरा पैराग्राफ मैंने बोल दिया, कुछ समझ में आया? क्या समझ आया? क्या वर्ड का मीनिंग क्या है? नहीं आया, चलो बताती हूँ। कि एक छोटा सा मैन था, उसके फेस पर पूरी रिंकल आ गई। रिंकल मतलब कि क्या? जैसे कि कोई गंदा कपड़ा जो है वो हमने किसी के ऊपर डाला है, ऐसे जोर से फेंका है, तो क्या एकदम ऐसे कर देते हैं हम? व्हाट इज दिस? ये सब क्या बोलते हैं? उसे रिंकल्ड बोलते हैं। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिम्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। बाद में उसने उसके लेग ऐसे किक किए। कैसे आप लोग करते हो? देखो ऐसे करते हो ना, ऐसे उसने उसके लेग किक किए और बोला और मुंह बना के। ग्रिम्स मतलब क्या? ग्रिम्स मतलब क्या? मुंह बनाना, ये बहुत डिफिकल्ट है, एकदम पूरा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ग्रिम्स मतलब मुंह बनाना और स्कोल मतलब चढ़ाना, मुंह बना के चढ़ा के बैठ जाना, आप लोग करते हो ना वैसा। और उसने ऐसे कर दिया मुंह पूरा, और कि मैं कर दूंगा, फनी फेस कर रहा था, मुंह बना दिया ऐसे चढ़ा दिया, और बाद में वो ऐसे बैठ गए। एंड ट्रू टू दिस वर्ड And true to this word, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. कि वो जो ये जो word है वो सच है, कि जो छोटा सा man था वो Patrick का homework नहीं करने वाला था, Patrick खुद ही उसका homework करेगा। कैसे? Last में पता चलेगा। Except there was one glitch. Glitch मतलब एक problem थी। हम ज्यादातर glitch word use ही नहीं करते हैं, वाह। हम ज्यादातर क्या करते हैं? Problem word use करते हैं। The elf didn't always know what to do and he needed help. कि elf को कुछ पता नहीं था कि उसमें मैं help तो करूँगा, पर उसमें क्या करना है उसे कोई पता ही नहीं था, कुछ पता नहीं था। help me, he did say. And Patrick would have to help in whatever way. बाद में उसने बोला था कि हेल्प मी, तो उसने बचा लिया था। तो उसने क्या बोला कि अभी तो आपको हेल्प मुझे करनी ही चाहिए, कोई भी रास्ता हो आपके पास। अभी लास्ट पैराग्राफ है, आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ क्विक एंड वाइल्ड रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। कि ये जो वर्ड है कि मुझे कुछ नहीं पता है, एल्फ ने एकदम वो हो गया कि ये क्या, व्हाट इज दिस। जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था तो बोला कि मुझे डिक्शनरी दो, तो वो बोला पैट्रिक नो, यहाँ पर कोई डिक्शनरी नाम का कुछ नहीं है मेरे पास, तो लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाय इच लेटर। कि ये वर्ड को देखो और तू मुझे बोल बोल के बता, तो मैं तेरी बुक में लिखूंगा, तेरी कॉपी में लिखूंगा, समझ में। अब देखो अभी 6 नंबर से मैं आपको नेक्स्ट टर्म लिखवाऊंगी। अभी ये बहुत बड़ा हो गया और अभी लेक्चर खत्म होने में सिर्फ 2-3 मिनट की देर है, तो लास्ट में
6 to 10 ओके 6 to 10 में आपको बाद में करवा दूंगी, नेक्स्ट लेक्चर में कंपलसरी, भूलना मत, समझ में आया? कंटिन्यू।